بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ويهد قلبه والله بكل شيء عليم وقال تعالى ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی ہے، اللہ تعالی کے کلام کا یہ عالم ہے کہ جس زمانے میں جس حال میں اس کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ہدایت اور تسلی کے اسباب اس میں موجود ہیں. ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں بہت ہی نازک وقت ہے، بڑے کٹھن حالات. ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی ایمان والا ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ایمان اور اعمال کی ہمیشہ فکر رہتی ہے، جسے جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ کچھ بھی تعلق ہے، وہ تھوڑا غمزدہ ہے اس وقت کہ ایک مسجد تو اپنے ظالمانہ اور حاکمانہ فیصلے کے تحت غیروں کے حوالے کر دی. ابھی تو وہ زخم بھرا نہیں تھا، وہ صدمے میں سے اوپر نہیں آئے تھے کہ پھر دوسری ایک عظیم مسجد جس کے لیے ایک متنازع یا یہ کہیے کہ ضد بھرا یا ظالمانہ فیصلہ پھر آیا. کبھی مدرسہ کے متعلق سے، کبھی مساجد کے متعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں آتی رہتی اور اہل ایمان ان ساری خبروں سے دوچار اور بیچ پریشان حال رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق قرآن کریم میں ہدایت پر پہلے تو فرمایا ولا تہینوا ولا تحزنوا، اے مسلمانوں ہمت نہ ہارو، غم زدہ نہ ہو، وانتم الاعلون تم ہی بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے. شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم ایمان کے اعتبار سے کامل اور مکمل رہے، مکمل مومن رہے تم.
तो तुम ही अंजाम के एतबार से कामयाब रहोगे। तारीख गवाह है कि तातारियों के फितने के एतबार से जब उन्होंने अपने जुल्म और जबर और तशद्दुद के एतबार से मसाजिद को निशाना बनाया, वक्ती तौर पर टेम्पररी तौर पर अपनी कुव्वत से फायदा उठा लिया, अपने ओहदे से फायदा उठा लिया, लेकिन अंजाम का परवरदिगार आलम ने फिर उसको मस्जिद हवाले कर दिया। ये तारीख गवाह। गज़वे उहद में मुसलमान काफी जख्म खुर्दा और गमजदा थे। उस मौके पर कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई कि वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। हिम्मत मत हारो, मायूस होने की जरूरत नहीं है, गमजदा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अंजाम के एतबार से कामयाबी तुम्हें नवाजे। कुरान करीम ने एक बात बहुत अजीब इरशाद फरमाई, देरवे पारे में इरशाद फरमाते हैं, वकाल الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى الى ربهم لنهلكن الظالمين। अल्लाह ताला बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई कि वकाल الذين كفروا, अल्लाह के मुखालिफिन ने, रसूलों के मुखालिफिन ने रसूलों से यह कहा कि लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दीना, हमारे मुल्क से, हमारी बस्ती से, हमारे इलाके से हम तुमको जरूर बिस जरूर निकाल देंगे, अपने मुल्क में रहने का हक नहीं देंगे तुमको। औ लताउदुन फी मिल्लतिना, और अगर रहना है हमारे मुल्क में तो रसूलों को ये कहा गया था, क्या कहा था कि लताउदुन फी मिल्लतिना, हमारी संस्कृति अपनानी पड़ेगी, हमारे तरीके अपनाने पड़ेंगे, हमारे रंग में रंगना पड़ेगा। इस कदर डराया नबियों को और रसूलों को, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जवाब दिया, ए नबियों पर ईमान लाने वाले लोगों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लनुहलिकन ज़ालिमीन, अंदाज़े जो कुरान है वो क्या कहता है, लनुहलिकन ज़ालिमीन, हम जरूर बिस जरूर ज़ालिमों को बर्बाद और तबाह और हलाक करने वाले, और आबाद किसको करेंगे, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ। जो कयामत के दिन हमारे सामने खड़े होने से डरा, उसको ये यकीन है और ईमान है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मेरी जिंदगी का मुझे मेरे अल्लाह को जवाब देना, मेरे अल्लाह मुझे जिंदा करेंगे दोबारा, एक एक कदम और एक एक अमल का अल्लाह हिसाब लेंगे। हर अमल से पहले इस बात का खौफ कर लिया, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ। और मैंने जिन चीजों से डराया है उन चीजों से डर गया और डरकर गुनाहों को छोड़ दिया, मेरी नाफरमानी को छोड़ दिया, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जरूर भी जरूर उन लोगों को दुनिया में आबाद करूं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत ही अजीम और जलील कद्र पैगंबर है जिनका कुरान करीम में जगह जगह के ऊपर तज़किरा आया है, और वो है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये को कुरान ने ज्यादा क्यों बयान किया, उलमा ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से और आपकी उम्मत से उस वाकये को बहुत ज्यादा मुनासबत है, बहुत मिलती जुलती बातें हैं, इसलिए नबियों के किस्से जो बयान किए हैं सिर्फ कहानी के लिए नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, कहीं तो इबरत के लिए, कहीं तो उसमें मेरे और आपके लिए तसल्ली का सामान। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर
फिरौन ने जुल्म और सितम की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। हर तरीके से उसने जुल्म ढाया, सितम ढाया, हत्ता के उस फिरौन की वजह से उसकी कौम के लोगों ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को निशाना बनाया। जब एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फिरौन की कौम का एक आदमी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के आदमी को मार रहा है, सितम कर रहा है, सख्ती कर रहा है, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को जब आवाज दी, मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए, देखा कि दो झगड़ हैं, सिर्फ इस एतबार से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खल सबीला, छोड़ दे तू इसका रास्ता, क्यों कमजोर के ऊपर तू जुल्म करता है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही के सर पड़ गया और कहने लगा कि ये फिरौन के घराने का सामान है, उसके किचन का सामान है, मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि मैं तेरे ऊपर ये बोझ ला दूं और तेरे सर पे ले जाके इसको मैं वहां पहुंचू, तुझे उठाना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फवकज़ा मूसा फकदा अलैह, एक ही लगाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, बस उसकी तो जान ही निकल गई वहीं से। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत तशद्दुद किया है, बहुत ज़ुल्म किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमाने के ज़ालिम फिरौन को डुबोया, डूबने लगा, अपने जमाने का सुपर पावर है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जब अल्लाह जो अजीज इंतकाम है जब बदला लेने पर आ जाते हैं तो किसी को उसके असबाब, उसके सामान, उसकी चीजें, उसकी फौज कोई काम नहीं आ सकती, कोई बचा नहीं सकता जब अल्लाह पकड़ने पर आ जाए। वला युफिक वथाकहु अहद वला युअद्दिब अज़ाबहु अहद, न उसके जैसा कोई अजाब देने वाला, न उसके जैसा कोई पकड़ने वाला। वो पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ा नहीं सकता और वो छोड़ दे तो फिर कोई पकड़ भी तो नहीं सकता। अल्लाह कुव्वत वाले ताकत वाले फिरौन को पकड़ा और ऐसा जबरदस्त पकड़ा कि जब मौत नाचने लगी उसके सामने, रक्स करने लगी, तो अब कहने लगा कि आमंत मैं ईमान ले आया, रब हारून व मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाया। जवाब आया वहां से अल आन, अब तो ईमान लाया, अब तेरा ईमान लाना तुझे कोई फायदा नहीं देगा। बड़ा से कलाम ये है कि फिरौन ने और उसके साथियों ने जब सताया तो अल्लाह ने फिरौन को और उसकी पूरी फौज और कौम को दरिया के अंदर डुबा दिया और तबाह बर्बाद कर दिया और दुनिया के लिए एक निशानी बना। और वो बनी इसराइल जो कौम थी मूसा अलैहिस्सलाम की, उनको क्या कहा कि हम तुमको इनकी जमीन का वारिस बनाएंगे, यानी हमने इनको जो कुव्वत दी थी या जो माल दिया था, जो दौलत दी थी, हम इससे भी ज्यादा कुव्वत, माल और दौलत ए ईमान वालों, ए मूसा को मानने वालों, हम तुमको उन चीजों से नवाजेंगे। तो कुरान करीम को पढ़िए, जब हम पढ़ते हैं कुरान करीम को तो बिल्कुल इत्मीनान होता है। एक जगह पर फरमाया अल्लाह ताला ने मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ए ईमान वालों जो खुद तुमको मुसीबत पहुंचती है, जो खुद तकलीफ पहुंचती है तुमको, जो कुछ हालात आते हैं तुम पर, इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह ही के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, सब उसके कब्जे में, सब उसकी ताकत के अंदर है परवरदिगार आलम। ये हालात जो दुनिया में रोनुमा हो रहे हैं इल्ला बिइज़्निल्लाह, लेकिन وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, लेकिन जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं अल्लाह उनके दिल में हिदायत नसीब फरमा देते हैं, उनको इत्मीनान होता है, वो डरते नहीं हालात से, वो हालात से घबराते नहीं है, वो हालात से मायूस नहीं होते, बल्कि अल्लाह की हिदायत से फायदा उठाते हैं, फौरन मुतवज्जे हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से कि मुझसे कोई गड़बड़ हुई है, मेरे से अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम टूटे हैं, उनकी बातें मुझसे छूटी है,
मैंने ईमान के तकाजों को पूरा नहीं किया, मैंने सरे आम नबी की सुन्नतों को रुस्वा किया, मैंने सरे आम नबी की सुन्नतों को रुस्वा किया, छोड़ा है नबी की सुन्नत को। हम अपने घरेलू जिंदगी को या बाहर की जिंदगी को, कुरान करीम इसी को तो कहता है कि मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाह व यहदी क़ल्बा व अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और किसी जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तकलीफें जो तुम्हारी साख में तुम्हारी जानों में पहुंचती है या बाहर दुनिया के कारोबार वगैरह के हालात के एतबार से आते हैं, ये सब तुमको किसके लिए है? इबरत के लिए। कि अभी भी समझ जाओ, अपना रुख मोड़ दो, अपने हालात को मोड़ दो। अगर तुम 100% नमाजों के पाबंद बन गए, तुम 100% मस्जिदों के आबाद करने वाले बन गए, तो फिर किसी की मजाल नहीं होगी कि तुम्हारी मस्जिदों की तरफ निगाहें उठाकर देखें। हमारा ये हाल है कि एक आदमी घर का नमाज पढ़ रहा है, वो भी सुबह में जब जा रहा है तो अपने बीवी बच्चों को उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम दरवाजे इतने आहिस्ता से बंद करते हैं कि उसकी आवाज से हमारा रात में देर से आया हुआ बेटा उसकी नींद ना खुल जाए। हम उसकी दुनिया की फिक्र कर रहे हैं लेकिन उसके आखिरत की फिक्र को हम माँ बाप भूल गए, हम घर के जिम्मेदार भूल गए। मेरे भाइयों, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, हमको अपने हालात की इसलाह करनी पड़ेगी, हमें अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना पड़ेगा, हमें अपने ईमान को बनाना पड़ेगा। अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह का ताल्लुक। जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बार बार कहते हैं मा रफना हक मारिफती व मा बदना का हक इबादती। ए अल्लाह, तेरी मारिफत और तेरी पहचान का जो मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहिए मैं मुझे वो नसीब नहीं। कौन कह रहा है? सरकार दुआरू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनके पैर मुबारक वरम कर जा रहे, कुरान करीम को कहना पड़ा وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला। ए नबी, आधी रात जाग कर इबादत करो या दो तिहाई रात यानी आधे से ज्यादा या आधे से कम। सहाबाए किराम पूरा मफहूम इसका नहीं समझ सके कि अल्लाह आधी रात चाहते हैं या दो तिहाई, दो तृतीयांश रात या एक तृतीयांश रात। तो सहाबा ने पूरी रात जाग कर इबादत करना शुरू किया, थक गए। उस पर कुरान की आयतें नाज़िल हुई कि ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का। कुफार हंसते थे इबादतों पर, कुफार इबादतों पर हंसते थे कि क्या कुरान नाज़िल हो गया, क्या ईमान आ गया, ये उसके पीछे पागल बने और इनके अल्लाह के मानने मानने के अंदर तो ये कहा इबादतों में घुल रहे और दब रहे। ये हंसते थे, ये मजाक उड़ाते थे। कुरान करीम ने तसल्ली का सामान लेकर आया, अल्लाह ताला ने वो बोझ आपसे हटा दिया है। जितना हो सके फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अब तुमसे जितना हो सके डरने का, अल्लाह से जो तकवा का हक है वो हक इख्तियार करो। आज के दौर में अगर हम पांचों वक्त की नमाज जमात की पाबंदी के साथ अदा करने वाले बने, पांचों वक्त की नमाज जमात की पाबंदी के साथ और अपनी नजरों की हिफाजत करने वाले बन जाए, नजरों की हिफाजत ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये बहुत स्लो पॉइजन है, बहुत स्लो पॉइजन है। मेरे भाइयों, अपने नजरों की हिफाजत करो, जब नजरों की हिफाजत नहीं होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की तिलावत और कुरान की तालीम का शौक और हिम्मत दिलों में से निकाल देते हैं।
और जब कुरान की हिम्मत नहीं रहेगी, कुरान की तिलावत का खौफ और शौक नहीं होगा, कुरान की तिलावत नसीब नहीं होगी, फिर लाख वजीफे पढ़ लो, लाख कुरान पढ़ लो, कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए सबसे अव्वल नंबर पर अपने आप को कुरान करीम के करीब कर दीजिए, कुरान करीम से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए, कुरान के अल्फाज को पढ़िए, इन उलमा के करीब होकर कुरान के महानी, कुरान की तफसीर, कुरान के मतलब आप देखिए। ये जो आयतें मैंने अभी थोड़ी देर में आपके सामने तिलावत की, कुरान करीम कैसी बात करता है, अगर हम थोड़ी तवज्जो दे दें कुरान करीम पर, तो फिर हमारे हालात अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। एक साहब मिले, अपने बेटे के मुतालिक शिकायत की, मौलाना मैं बहुत परेशान हूं, दुआएं भी कर रहा हूं उसके लिए, वज़ाइफ भी पढ़ रहा हूं मैं उसके लिए, उसको तालीम भी पिला दी है मैंने, लेकिन 3-4 साल हो गए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैंने कहा देख भाई, मैं एक अमल छोटा सा बतला देता हूं, मैंने कहा ना मैं न तू, कोई पाप नहीं है, गुनाह तो हमसे जरूर हुए, कितने गुनाह वो है कि जो हमने पहले कर लिए हैं, अब नहीं करने, छोड़ दिए, लेकिन हमने उसकी माफी नहीं मांगी, हमने उसकी माफी नहीं मांगी, वो याद करके माफी मांगो। एक तो माफी कैसी होती है, हम ये कह लेते हैं कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं मुझे माफ कर दे, इसको तो ये इजमाली मजमूई तौर पर हो गई, नहीं तफसीली तौबा, उन गुनाहों को याद कीजिए जिन गुनाहों को हमने किया है, करके छोड़ दिया है, भूल गए हैं, उसकी माफी नहीं मांगी, अल्लाह से उसकी माफी मांगो, ए अल्लाह मुझसे वो गुनाह हो गया था, ए अल्लाह मैंने छोड़ दिया है, अब दोबारा मेरी जिंदगी में ना आवे, मैं इसकी पना मांगता हूं, और जो कुछ हो गया उससे मैं माफी मांगता हूं, तू मुझे माफ कर दे। मैंने कहा भाई वो गुनाह याद कर करके माफी मांगो अल्लाह ताला से, और जो गुनाह अभी हम मुब्तला है उसके छोड़ने की कोशिश करो, फिर तौबा करो अल्लाह ताला से, फिर आना। अब यकीन जानिए कि वो एक महीने के अंदर अंदर आए, आज मौलाना आपके कहने के बाद मैंने पहले उन गुनाहों से माफी मांगी जो मैं अपनी जवानी में कर चुका था, छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने तौबा नहीं की थी, माफी नहीं मांगी थी, लेकिन फिर मैंने माफी मांगी और ये भी मांगी कि अल्लाह मुझे ये हिम्मत अता फरमा कि जिन गुनाहों में अभी मुब्तला हूं मैं छोड़ने में मुझे हिम्मत आ जाए, तू मुझे तौफीक दे, तू मुझे पक्की तौबा की तौफीक दे। कि जब मैंने इस तरीके से तौबा की, कहा मैं हैरान हूं, न वजीफा पढ़ने की जरूरत पड़ी, न उसको भूख मारने की जरूरत पड़ी, न उसको तावीज पिलाने की जरूरत पड़ी, फिर कुछ नहीं, बल्कि सामने आकर वो माफी मांग रहा है, वो बेटा सामने आकर वो माफी मांग रहा, उसके जिन मामलात के अंदर मैं उलझा हुआ था, अल्लाह ताला ने खैर से ऐसे असबाब पैदा किए कि मेरी अकल हैरान है कि ये कहां से क्या हालात आ गए, एक हफ्ते के अंदर सारे हालात बदल गए, कहा वो शादी करने को तैयार नहीं, अगर तैयार होता तो ऐसी लड़कियों को बतलाता जो मेरे खानदान के अतबार से बिल्कुल मुनासिब नहीं थी, कहा मेरी नाक कटी, मेरी इज्जत जाती, मैं बहुत परेशान था, लेकिन उस अल्लाह के बंदे का एक हफ्ते में जो खेल हुआ है, एक हफ्ते में, और अल्हम्दुलिल्लाह वही जिंदगी भर का जालिम इतना मेरे दिल का सुकून बन गया कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया का हक कभी नहीं अदा कर सकता। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया के जितने हालात हैं, हम वगाई पढ़ते हैं, पढ़िए, तौबा भी कीजिए, दरूद शरीफ भी पढ़िए, कुरान करीम की तिलावत की भी आदत डालिए, लेकिन सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगी थी। इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, कुरान की आयत यही कह रही है, कभी तो फरमाए वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम सब मिलकर तौबा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगी। तो ये मौजूदा हालात को देखकर मैं और आप मायूस हो गए, दिल छोटा हो गया, ये जबान से निकल जाता है, अपने घर भी क्या कर सकते,
सब कुछ इनके हाथ में, कानून इनके हाथ में, इंसाफ के क्लासे, इंसाफ की जगह इनके हाथ में, सब कुछ इन्हीं का है। हमारे हाथ में क्या? जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत हमारे हाथ में और वो अल्लाह की जात। हम अल्लाह को पकड़ लें, हम अल्लाह से वाबस्ता हो जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, फिर देखो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह का साथ हमारे साथ कैसा। पढ़िए हजरत के सहाबे ने मस्जिदों में जो तालीम होती है, आप इसको हकीक न समझे। बरसों से फजाइल आमाल, फजाइल सदकात, फजाइल सहाबा ये पढ़े जा रहे, इसको रस्मी न समझे। जब इसमें बैठते और कभी कभी तो ऐसी अजीब व गरीब बात आ रही, कई मरतबा सुन चुके, लेकिन जब होश के कान लगा के सुना पता चलता है कि दिलों को हिला के रख देते हैं। मेरे भाइयों, ये जो तालीम हो रही है इसको गनीमत समझे, इसकी कदर कीजिए। अगर हमने इसकी कदर न की, कहीं वो दौर ना जाए कि हमारी तालीमों पर नजर रखी जाए। जैसे इस वक्त हालात पैदा हो रही है, डर लग रहा है। अल्लाह के बंदो, अपने बिजनेस, अपनी तिजारत, अपने कारोबार, अपने घर के कामों में से क्या हम एक दिन के अंदर एक 10 मिनट नहीं रख सकते अपने आप को? हम इतने भागते मस्जिदों में नमाजों के बाद, अल्लाह के बंदो नमाज दुआओं की भी आदत डालो। हम इतनी देर से आते कि एक रकात चली गई, सलाम फिराया कि हम रुमाल झाड़ के भागने में नजर आते हैं। फिर कहते अल्लाह की मदद नहीं आएगी, हमने कब मांगा? अल्लाह मदद देने के लिए तैयार है हर फर्ज नमाज के बाद। हदीस पाक में फरमाया अल्लाह दुआ को कबूल फरमाते हैं। सुनेंगे, अपना ईमान और आमाल जब बनेगा, अल्लाह दिलों को सुकून दे देंगे और हालात को हमारे हवाले कर देंगे। परवरदिगार आलम, अल्लाह मुझे भी और आपको सुधरने की और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपना ताल्लुक नसीब फरमाए, अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।